बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल साहब भाई, ठीक ठाक हैं? बकरे की ग्रोथ का, अच्छा बकरी ग्रोथ बकरे की नस्ल पे बड़ी डिपेंड करती है। अब ये बात नहीं है कि आप कोई भी टैडी बकरा ले हैं, अब आप उसे उम्मीद रखें वो ग्रोथ बड़ी अच्छी करेगा, ये बात नहीं है। और यहाँ फिर आप कोई 6 दिन बकरा ले हैं जिसकी हेड 35 इंच और आपके ये बकरा 40 इंच का हो जाए तो भी बात कोई नहीं है। अब बंदे कहते हैं कि 42 इंच बकरा, सर 42 इंच बड़ी हाइट होती है बकरी, थोड़ी हाइट नहीं है, ठीक है ना। 42 बंदे बकरे को अगर समय के 42 इंच बकरा होगा तो वो कोई सिंपल सा बकरा है। 100 में से 10 बकरे होते हैं 42, ये भी बात याद रखना मेरी। और जो से बंदे मंडियों में फीता मारते ना बकरे को कि 45 इंच साढ़े को ले आऊँ, हाँ 45-40 नहीं करते, फिर भी गल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अब बकरे की ग्रोथ डिपेंड करती है अच्छे बकरे की, नस्ली अंबर आपके पास अच्छा बकरा है वो ग्रोथ नहीं कर रहा, वो आपका फॉल्ट है उसमें, उसमें बकरे का फॉल्ट नहीं है। अब एक चीज़ आपसे, एक चीज़ की रिक्वायरमेंट ये है कि वो आपसे रोज़ाना तेल भी मांग रहा है, दाना भी मांग रहा है, पट्ठे भी मांग रहा है, दूध भी मांग रहा है, और आप उसे सिर्फ पट्ठे डाल रहे हैं या फिर दाना डाल रहे हैं, वो ग्रोथ अगर उसने 2 महीने में 2 इंच बढ़ रहा है, वो 2 महीने में 1 इंच बढ़ेगा, ये भी बात आप मेरे जहन में रखना। बकरा अगर आपने लेना है, सबसे पहली बात ये है अगर आपने बकरा अच्छा लिया हुआ है, ठीक है। अब ये भी बात याद रखेंगे अपने बकरे को खुराक भी अच्छी खिलानी है। फिर अगर आप कहेंगे यार मेरे पास बकरा बड़ा अच्छा है, मैं उसे पट्ठे और सिर्फ दाना खिला के बकरे से मैं वो उसके यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं बकरा 100 या 120 किलो का कर लूँगा, वो बात कोई नहीं होनी है। मैं बार बार ये कहता हूँ ग्रोथ करनी है, बकरे ने तेल भी पीने हैं, बकरे ने दाना भी खाना है, बकरे ने पट्ठे भी खाने हैं, बकरे ने दूध भी पीना है, ये चारों चीज़ें मेन है, जो सी मेन ये बकरे को आपने देनी ही देनी है, लाजमी देनी है। अगर आप ये नहीं दे सकते, मैं पहले भी वीडियो में बोला हुआ है कि आप बकरा ना लेके आए क्योंकि आप उस बेचारे के साथ जुल्म ना करें। अब आप जाएंगे कि लो जी बकरे ने यार तेल दे, अज मैं गया हुआ तेल लें तो तेल 600 रुपये किलो हो गया सरयों का, तो जी 1 हफ्ता 1 हफ्ता बकरे तेल की छुट्टी कराने हैं, ये कोई बात नहीं ना। अगर 1 हफ्ता डालना है तो 1 हफ्ता छुट्टी के अंदर रिजल्ट फिर आपको क्या मिलना उसका, रूटीन वाइज ये जेन में रख के बकरा खरीदें कि यार मैं अगर बकरा का शो करने लगे आवा तो मैंने उसे रूटीन वाइज चीज़ डालनी है। 12 महीने रखना है, 12 महीने तेल पिलाना है, 12 महीने रखना है, 12 महीने मैंने उसे गंदम चने की दाल खिलानी खिलानी है। 260 रुपये किलो चने की दाल है, 150 रुपये किलो अच्छी कनक है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैंने हफ्ता बकरे को कनक और दाना खिला दें, नहीं यार छुट्टी करा देने 1 हफ्ते ऐसे ऐसे ही होना, 1 हफ्ता खुआने हैं तो 1 हफ्ते छुट्टी कराने जाओ, उन्होंने खुआने से आप खावा तो बकरा भी ना ले आओ, तो तुम आप खाना है तो उन्होंने तुम 1 हफ्ता खुआना है तो 1 हफ्ता तुम आप खाना, उन्होंने छुट्टी कराने मस्कीन ने पुत्र को कोठे से बने लोड़ कर दिए, छोटो बड़ा छुरी फिर काम मकाओ बचो उसे माड़े मस्कीन उन्होंने बन छोड़ो, ठीक है ना। ये मेरी बात का गुस्सा ना करना, ये बातें पॉइंट की रूटीन वाली चीज डालें। अगर आपको बकरे का रिजल्ट नहीं मिलता, मैं बार बार कहता हूँ किलो डालते हैं आधा किलो डाल लो, कोई मसला नहीं है। तेल आप 100 cc नहीं पिला सकते, 50 cc पिला लो। दूध किलो नहीं पिला सकते, आधा किलो पिला लो। पट्ठे 10 किलो नहीं डाल सकते, 5 किलो डाल लो, 3 किलो डाल लो, पर रूटीन से रोजाना डेली। ये बाजे में अगर ये चीज़ें करके बकरा ग्रोथ ना करे तो फिर उसी में दूसरे को बाबा जी बकरे ने ग्रोथ नहीं की है तो हूँ की करिए, ठीक है। ये बात है ही झूठ कि अगर आप बकरे को रूटीन से उसकी रूटीन आपने बिल्कुल परफेक्ट रखी और बकरा ग्रोथ ना करे, मैं ये बात नहीं मानता, ये बात ही झूठ है। जो बंदा कहेगा कि यार असी रोजाना डाल रहे हैं बकरे को खुराक वगैरह तो बकरा ग्रोथ नहीं पा करता, ऐसा मतलब है ये कि तुम बकरे को रोजे रखवाते हो, तुम मस्कीन रोजे रखना सिखा लेंदे है कि पुत्र तू रोजा रख, तेरा इतना रोजा असं पट्ठे ने खिलवा देंगे तो सहरी से तेन अद्ध पागन पा देंगे, तेरी कि तेरी सहरी ते इफ्तारी का सीमा तेरी साड़ी है पूरे साल की, बिचला खाना दोनों को नहीं देना, ठीक है। तो ये बस बकरे की मेन ग्रोथ का यही फार्मूला, रूटीन बकरे की तरतीब ठीक करें, सब काम ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह बकरे के। और बकरा पालो कि बड़ी कोई थ्योरी थ्योरी को नहीं है, सारी दुनिया बकरे पालती है, सब ने पाले हैं, पर जिगरे भी हैं लोगों के। अब बकरे की जो मेन तंदुरुस्ती की निशानी है ना, जो तंदुरुस्त बकरा होगा तंदुरुस्त। अब आपको मैंने मेरा बकरा शायद आपने पहले वीडियो में देखा होगा, आज अब धूपे पड़नी है
मैंने आपको कहा था कि मैं मार्च अप्रैल में बकरों के रिजल्ट निकल आएंगे, ठीक है। अब रिजल्ट निकलना शुरू हो गया, अब आप बकरा दिखा तो उसके बैठने का स्टाइल तरीका देखें, उसकी शाइनिंग देखें, बगे ऐसा बकरा वो जो बाहर ला अपना वो करीब ले करो, ये बकरे की शाइन वगैरह दिखाएं। उसका पावा कितने डोर गया, कितने ये करोड़ा गिड्डा हो गया, ठीक है। अब वो देखें स्कूल से बकरा मस्त है, धुप से एक देखें उसकी शाइन फुल है, नरम हो गया बकरा, ये देखें अभी तक पोल है वो। मैंने उसे ये नहीं किया कि मैं उसे टुन कर दूँ, लोड कर दूँ, तो पट्ठे अभी उसके दाना खिलाया हुआ है, 2 बजे का टाइम है, तो बकरा ये है। अब 3 बजे पट्ठे स्टार्ट कर देंगे, इतने बकरे को तो मैं कहता हूँ 15 किलो पट्ठे कुछ नहीं कहते, पर मैं किन्ने पाने ने तोड़ के 5-6, क्यों, क्योंकि दाना तेज रखा हुआ है, तेल सुबह पिलाया 150 सीसी सुबह से तेल पिलाया। ये नहीं कि आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरे को बड़ा पैसा, अल्लाह माफ करे सी माड़े बंदे ही हैं, 150 सीसी से तेल पिलाया, 1 किलो गंदम खिलाई है, 1/2 किलो चने की दाल खिलाई है, ठीक है। तो ये बकरा स्कूल से बैठा हुआ है, उसने जितनी गाली करनी उसने कर ली है, अब बकरा मस्त हो गया। टांगे बकरा जब भी आप कैसे सीधी करके बैठे, आप ये समझ लें बकरा आपका बिल्कुल फिट फाट है, वो अंज बैठा जिस तरह गाडर पे है थले जमीन पे, लत्तों गोल चुके सरकार बैठे ने जे अल्लाह पुत्र, ठीक है ना। तो ये है बकरे की मेन तंदुरुस्ती की निशानी, ठीक है। अगर आप अपने बकरों की खुराक ठीक करेंगे तो बकरे इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के फजल से लाजमी बनेंगे, ठीक है। ये 300 सवाल थे उनके जवाब थे, तो बात का गुस्सा ना करना कोई भी, मैं ये कहना कहता हूँ कि बकरे आप ले के आए तो फिर उनको खिलाएं भी, रोज़े रखवाने के लिए बकरे ना ले के आए, ये मेहरबानी आपकी, ठीक है। और किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो बताए लाजमी ऐड करूँगा। चैनल सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, तो 1K मेरे ख्याल से होने वाले हैं, बड़ी मेहरबानी आप सब की, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, तो मैंने चीज़ें ला के रख दी हैं नीचे वो हलवे की, तो वो बेचा जिस दिन 1K हो गए ना उसी दिन वो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो कल या परसों में वीडियो बना लूँगा, उन 1K का इंतज़ार रहेगा, ठीक है ना, तो वो अपलोड कर दूँगा। तो वो जो चीज़ आपको बताऊँगा, सारे के सारे बकरे का निचोड़, जो निचोड़ होता है ना बकरे का, यानी कि निचोड़ है ये खुराक, वो वाली होगी, ठीक है ना। बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।